हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिको अड्डा पर आपका स्वागत है। एंड बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के सिलेबस एंड बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपके कितने पेपर्स होते हैं, कितने प्रैक्टिकल्स होते हैं एंड कौन कौन से सब्जेक्ट आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। ओके बच्चों, तो इन सब के बारे में जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यदि आप बीएमएस फर्स्ट ईयर में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों आप किसी भी चीज़ में पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको उसके सिलेबस के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी उस चीज़ में जो है सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो बच्चों, यदि आप बीएमएस फर्स्ट ईयर में हो तो आपको जो है इसके सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए कि आपको कौन कौन से जो है सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी है। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप बीएमएस फर्स्ट ईयर में हो तो। ओके बच्चों, एंड हम ये भी बात करेंगे कि आपके कौन से सब्जेक्ट में कितने पेपर्स होंगे और कितने नंबर के पेपर होंगे। ओके बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना देर के वीडियो के अंत तक बने रहे। तो बच्चों, जो बीएमएस का जो सिलेबस है उसको डिसाइड करती है सीसीएम, ठीक है। तो सीसीएम के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसी सिलेबस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपके पेपर्स होंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ओके बच्चों, जो फर्स्ट ईयर है बीएमएस फर्स्ट ईयर, इसमें आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। आपको पहला सब्जेक्ट पढ़ना है पदार्थ विज्ञान, सेकंड सब्जेक्ट आपका रहेगा संस्कृत, थर्ड सब्जेक्ट आपका क्रिया शारीरिक रहेगा यानी कि फिजियोलॉजी, और फोर्थ सब्जेक्ट रचना शारीरिक यानी कि एनाटोमी, और फाइव सब्जेक्ट रहेगा आपका अष्टांग हृदयांग। ओके बच्चों, तो ये 5 सब्जेक्ट आपको जो है बीएमएस फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। अब बात करते हैं कि इनके कौन कौन से सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल होंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है कितने पेपर्स होंगे और कितने नंबर के आपके पेपर होते हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर में। ओके बच्चों, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान में आपके जो है 2 पेपर होंगे, ठीक है। थ्योरी के इसमें जो है 2 पेपर होते हैं, यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, ठीक है। तो एक पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है, तो टोटल यहाँ पर 200 मार्क्स जो है आपके पेपर होंगे। तो पहला जो पेपर है वो आपका 100 नंबर का होगा, इसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो 50 नंबर का होगा, इसमें यहाँ पर ये टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है, आयुर्वेद निरूपण, दर्शन निरूपण और दर्वे विज्ञानम, ठीक है। ये थर्ड टॉपिक आपका है पार्ट ए में। जो पार्ट बी है उसमें यहाँ पर ये टॉपिक है, पार्ट बी भी आपका जो है 50 नंबर का रहेगा, इसमें आपका गुण विज्ञानम आ जाती हैं, उसके बाद में कर्मा विज्ञानम आ जाती हैं, सामान्य विज्ञानम आ जाती हैं, विशेष विज्ञानम आ जाती है, समवाय विज्ञानम आ जाती है और अभाव विज्ञानम आ जाती है, ठीक है। ये आपके जो है पार्ट बी के टॉपिक रहेंगे। एंड पेपर सेकंड भी जो है वो 100 नंबर का रहेगा, उसमें जो पार्ट ए है वो आपका 75 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके प्रमाण और परीक्षा वाला जो है टॉपिक्स रहेंगे। तो इसमें आपका टॉपिक रहेगा परीक्षा, ठीक है। सेकंड टॉपिक रहेगा आपतोपदेश, परीक्षा प्रमाण, ठीक है, और थर्ड टॉपिक रहेगा आपका प्रत्यक्ष परीक्षा प्रमाण, फोर्थ टॉपिक रहेगा अनुमापन परीक्षा प्रमाण, फाइव टॉपिक आपका रहेगा युक्ति परीक्षा प्रमाण, और सिक्स टॉपिक रहेगा अपमान प्रमाण, और सेवन टॉपिक रहेगा आपका क्रियाकरण सिद्धांत। ओके बच्चों, तो ये आपका जो है पेपर सेकंड के पार्ट ए के टॉपिक्स। और पेपर सेकंड के जो पार्ट बी है उसमें आपका रहेगा आयुर्वेद इतिहास, जो कि 25 मार्क्स का है। ओके बच्चों, तो ये फर्स्ट पेपर के बारे में बात हुई कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपको पढ़ने हैं और कितने पेपर्स होंगे। अब सेकंड सब्जेक्ट की बात करते हैं संस्कृत। तो संस्कृत में आपका जो है एक ही पेपर होगा जो कि 100 नंबर का होगा, इसमें भी 2 पार्ट हैं, पार्ट ए जो कि 50 नंबर का होगा, जिसमें आपकी पूरी व्याकरण आएगी संस्कृत की, जिसमें संज्ञा प्रकरण है, संधि प्रकरण, समास प्रकरण, प्रत्यय, अनुवाद, ये आपको जो है पार्ट ए में पढ़ने हैं। एंड पार्ट बी में आपके 3 टॉपिक रहेंगे जो भी 50 नंबर का है, ठीक है, ये भी 50 नंबर का है। इसमें पहला टॉपिक रहेगा आपका सुश्रुत संहिता के चैप्टर जो 25 मार्क्स के हैं, सेकंड टॉपिक रहेगा आपका वेद सुभाष के चैप्टर जो कि 1 से 10 तक के जो कि 15 मार्क्स के रहेंगे, एंड थर्ड टॉपिक आपका रहेगा 10 मार्क्स का, ठीक है। तो ये टॉपिक रहेंगे आपके संस्कृत के पेपर के लिए। अब बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट फिजियोलॉजी यानी कि क्रिया शारीरिक, इसमें आपके 2 पेपर होंगे थ्योरी के, ठीक है, इसमें एक प्रैक्टिकल भी आपका होगा, वो आगे हम बताएंगे, ठीक है। इसमें जो है वही फर्स्ट पेपर जो है वो 100 नंबर का रहेगा, इसमें भी 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए जो है वो 50 नंबर का रहेगा, इसमें आपका आयुर्वेद पोर्शन रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो
दोष, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये आपको जो है दोष वाले जो हैं इसमें पढ़ने हैं। अब ये क्या होते हैं, जब आप BMS फर्स्ट ईयर की क्लास लोगे तो आपको पता चल जाएगा। और पार्ट बी जो है ये भी आपका 50 नंबर का रहेगा और इसमें आपकी मॉडर्न फिजियोलॉजी रहेगी। यहाँ पर एक टॉपिक दे रखे हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पेपर सेकंड, ये भी आपका जो है 100 नंबर का रहेगा और इसमें भी दो पार्ट है। पार्ट ए जो है आपका 50 नंबर का रहेगा जिसमें आयुर्वेद वाला पोर्शन है, धातु, रस धातु, ठीक है, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, तो ये सब जो है आपको पता चल जाएगा जब आप BMS फर्स्ट ईयर की क्लास लोगे तो। और पार्ट बी जो कि 50 नंबर का रहेगा, इसमें वही मॉडर्न फिजियोलॉजी रहेगी, ठीक है, इसमें मॉडर्न फिजियोलॉजी के टॉपिक दे रखे हैं, ये टॉपिक आपको जो है पार्ट बी में पढ़ने हैं। ओके बच्चों, तो ये थ्योरी वाले जो हैं पेपर कंप्लीट हुए और इसका जो प्रैक्टिकल होगा वो 100 नंबर का आपका होगा। इसमें ये आयुर्वेद प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये मॉडर्न फिजियोलॉजी की प्रैक्टिकल भी दे रखे हैं, ये आपको देखने हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये हमारा जो है थर्ड सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं रचना शरीर की एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में भी आपके जो है दो पेपर होंगे और एक प्रैक्टिकल होगा, तो दोनों पेपर जो है 100-100 नंबर के होंगे। पेपर फर्स्ट जो है वो भी 100 नंबर का होगा, इसमें पार्ट ए है 50 नंबर का, ठीक है, इसमें आयुर्वेद पोर्शन आएगा, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो परिभाषा शरीर की, गर्भा परिभाषा, प्रमाण शरीर का, अस्थि शरीर का, ठीक है, संधि शरीर का, और सिरा धमनी स्रोतस और पेशी सिर शरीर का, तो ठीक है, ये आपके जो है पार्ट ए के टॉपिक रहेंगे। एंड पार्ट बी में आपके रहेगी मॉडर्न एनाटॉमी जिसमें आपके एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, ये आपके टॉपिक रहेंगे पार्ट बी में। एंड पेपर सेकंड में आपके दो पार्ट हैं, जो पार्ट फर्स्ट है वो 50 नंबर का रहेगा जिसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी, और पार्ट बी जो है उसमें आपके नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन रहेंगे जो कि 50 नंबर का है। ओके बच्चों, और इसमें आपका जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल वो भी रहेंगे आपके 100 मार्क्स के, ठीक है, प्रैक्टिकल आपके रहेगा 100 मार्क्स का। यहाँ पर ये टॉपिक दे रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनका प्रैक्टिकल आपका होगा, ठीक है। ओके बच्चों, अब बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट अष्टांग हृदयांग। तो अष्टांग हृदयांग में आपका एक ही जो है एक ही पेपर होगा जो कि 100 नंबर का होगा। इसमें भी दो पार्ट है, पार्ट है जो कि आपका 60 नंबर का रहेगा, जो अष्टांग में एक से लेकर जो 15 चैप्टर हैं वो आपके आएंगे पार्ट ए में। और पार्ट बी में आपके जो 40 नंबर का रहेगा जो कि 16 से 30 वाले चैप्टर है। ओके बच्चों, तो ये जो है हमने कंप्लीट जो सिलेबस के बारे में बात कर ली, ठीक है। आपके जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और पदार्थ विज्ञान, इसमें आपके दो दो पेपर होंगे और एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपके प्रैक्टिकल होंगे 100-100 नंबर के। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये सिलेबस आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बच्चों, एंड इस सिलेबस की जो PDF फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप जो है टेलीग्राम पर जाके जो है मेडिको अड्डा के नाम से जो है सर्च कर सकते हो। ओके बच्चों, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पर आपको जो है इस सिलेबस की PDF फाइल मिल जाएगी, और इसको आप प्रिंट आउट करा के अपने पास रख ले ताकि आप जब भी पढ़ाई करो तो एक बार टॉपिक को देख के आप पढ़ाई करो कि कैसे कैसे आपको जो है पढ़ाई करनी है। तो सिलेबस आपके पास होना ज़रूरी है प्रिंट आउट फॉर्म में, मोबाइल से कभी भी जो है अपनी पढ़ाई मत करना। ओके बच्चों, तो ये हमने जो है कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके रेफरेंस बुक के बारे में बात करेंगे कि कौन सी सब्जेक्ट की आपको कौन सी बुक जो है वो लेनी है। इन जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए भी मैं बुक्स बताऊंगा कि ये बुक्स आपको पढ़नी है ताकि आप आसानी से पास हो जाओ। तो बच्चों, इस वीडियो पर जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स रहेगा उतना ही जल्दी जो है रेफरेंस बुक पर जो है वीडियो आएगा, और रेफरेंस बुक पर जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स रहेगा उसके बाद में जो है आयुर्वेद में आपको कैसे पढ़ना है BMS फर्स्ट ईयर में ताकि आप आसानी से पास हो जाओ, तो सब कुछ जो है मैं बताऊंगा। इसलिए आपका जितना ज़्यादा इस वीडियो पर रिस्पॉन्स रहेगा उतना ही जल्दी आपका जो है रेफरेंस बुक के ऊपर जो है वीडियो आएगा। ओके बच्चों, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें। ओके बच्चों, तो ये हमने जो है कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात कर ली है। एंड बच्चों, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप किसी पर भी जो है ऐड हो सकते हो। ओके बच्चों, एंड आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।